आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया न्यूज चैनल। आज तकरीबन 7 बजे के करीब में मड्डे होटल के पास एक दिल दहला देने वाला वाक्य पेश आया। ये हादसा इतना ज़बरदस्त था कि उनके सर जगह पे मतलब खुल गया। इकबाल अहमद नामी शख्स मालेगांव से तफरी के लिए 3 बच्चों को मोटरसाइकिल पे सवार करके हाईवे पे मड्डे होटल की तरफ जा रहे थे। वो अपनी साइड से बराबर चल रहे थे, लेकिन रॉन्ग साइड से एक ट्रैक्टर आया और वो ट्रैक्टर इतनी स्पीड में था, उसकी स्पीड की वजह नहीं पता। वहाँ के लोगों ने ऐसा बताया कि वो ट्रैक्टर के अंदर डब्बर भरा हुआ था, और कुछ लोगों ने ये भी बोला कि डबर का जो मामला है अभी गवर्नमेंट ने बंद करके रखी है, शासन ने बंद करके रखा है, तो इसलिए वहाँ से इलीगल लोग चला रहे हैं रात के वक्त, शाम के वक्त, और इतनी फास्ट लेके जाते हैं कि लोगों को उससे बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वो ट्रैक्टर से इतनी ज़बरदस्त टक्कर हुई कि ये इकबाल अहमद नामी शख्स का जगह पर इंतकाल हो गया। वहाँ से हम लोगों को फ़ोन आया, फ़ोन आने के बाद एक रिक्शा ड्राइवर सलमान नाम के बच्चे ने फ़ोन किया, उसके बाद एक एम्बुलेंस के ड्राइवर को भेजा गया, राहुल नामी ड्राइवर था, उसको हम लोगों ने वहाँ पर भेजा। वहाँ से भेजने के बाद सिक्स सिग्मा हॉस्पिटल के अंदर उनको बुलाया गया। बच्ची भी काफ़ी उल्टी कर रही थी, 3 साल की बच्ची थी, 2 बच्चे अभी अच्छे हैं। वो बच्ची को भी वहाँ पर अपना सिक्स सिग्मा में एडमिट करवाया गया, और एडमिट करवाने के बाद बच्ची ज़्यादा उल्टी करने लगी तो वहाँ से निकाल के उसको प्राइवेट दवाखाने में दाखिल किया गया, और इनकी डेड बॉडी वहाँ से हम लोग निकाल कर सुहेल हॉस्पिटल लाए। सुहेल हॉस्पिटल लाने के बाद यहाँ से MLC आउट किए पावर वाली पुलिस स्टेशन में। यहाँ के जो कांस्टेबल रहते हैं उन्होंने पावर वाली पुलिस स्टेशन में MLC आउट किया, और उसके बाद उनके रिश्तेदारों को इतला दी गई। जब उनके रिश्तेदार यहाँ पर आए तो हम लोग खुद चौंक गए कि वो हमारे मालेगांव शहर के जाने माने जो नूर हॉस्पिटल के डॉक्टर सईद फैजी साहब है उनके भाई है, और कोरोना के अंदर जिन्होंने मालेगांव शहर के अंदर लोगों की मदद की थी, डॉक्टर परवेज फैजी साहब उनके सगे मामू हैं। इतनी बड़ी फैमिली के आदमी थे वो, और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आए, सियासी समाजी सभी लोग यहाँ पर आए, और आने के बाद सब ने मुआयनत करके डेड बॉडी अभी तकरीबन 10 से 15 मिनट हुआ है उनके ताबे में दी गई, और यहाँ से ले जाकर अभी वो रात में 12:30-1 बजे के टाइम तदफीन रखी है। अभी हमारा सवाल एक मीडिया से भी है कि मीडिया ये बात को पहुँचाए कि जब प्रांत साहब ने, एडिशनल कलेक्टर साहब ने और तहसीलदार ने यहाँ पर ट्रैक्टर को बंद किया हुआ है, डबर जो इलीगल तौर से चल रहा है इसको बंद किया गया है, तो ये चल कैसे रहा है? फिर जब बंद कर दिए तो चल कैसे रहा है? अगर चल रहा है और वाकई में अगर ये धंधा शुरू है तो, अगर इलीगल तौर से, हम लोग किसी के मतलब ख़िलाफ़ में नहीं है, अगर इलीगल तौर से अगर चला रहे हैं बिगर परमिट का, अगर चला रहे हैं परमिट लेकर चलाए हमको कोई दिक्कत नहीं, अगर बिगर परमिट का गवर्नमेंट ने बंद करी है तो ये चल कैसे रहे? इस तरीके से जानी नुकसान हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पर बार बार मेमोरेंडम दिया जा रहा है हाईवे वालों को कि यार सर्विस रोड बनाओ, अगर आप लोग सर्विस रोड बनाएंगे तो इस तरीके के हादसे नहीं होंगे। अभी 2 दिन पहले रात में 2 बजे के करीब में एक डेड बॉडी सुहेल हॉस्पिटल से निकाल के दी गई, हमारे मछली बाज़ार के खाजा कंपाउंड के थे वो, उनका भी इसी तरीके से हादसा हुआ। अभी रास्ता सुरक्षा अभियान तरफ से, ITU की तरफ से आंकड़े जारी किए गए कि इस साल में कितनी मौतें हुई है, तो सबसे ज़्यादा मौत का रेशो मालेगांव का बताया गया है। तो इस तरीके के हादसा हमारे शहर के अंदर हो रहे हैं, हमारे शहर के सोशल वर्कर, समाजी लोग, सियासी लोग सभी इस तरीके से लोगों को समझा रहे हैं कि हाईवे पे मत जाओ। क्यों जाते हैं हाईवे पे जब तुम लोगों को गाड़ियां नहीं चलाती आती है? हम रेंडम देने के बाद सर्विस रोड नहीं बनाए जा रहे हैं तो इसको कैसे देखते हैं आप? क्या वजह, क्यों नहीं बनाया जा? बस इसका एक ही इलाज है कि यहाँ पर चक्का जाम करना चाहिए पूरी तरीके से। जिस वक्त यहाँ पर ऐसा लगता है कि चक्का जाम होगा तो कोई ना कोई हल निकलेगा,
मुझे ऐसा लगता है। और इंशाल्लाह मैं कोशिश में लगा हूँ कि सभी सियासी लोगों को इसके साथ जोड़कर और सियासी लोगों से कहा जाए कि यार इस तरीके की आप लोग मुहिम चलाओ, हम सोशल वर्कर मालेगांव शहर के जितने भी आप लोगों के साथ रहेंगे और मालेगांव की आवाम भी आपके साथ रहेगी कि जहाँ जहाँ पर सर्विस रोड बनाना है उसको बनाए, और बनाने के बाद हो सकता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर सर्विस रोड बनता है तो लोग अपनी अपनी रोड से चलेंगे तो इस तरीके के हादसा कम होंगे। मालेगांव शहर के सियासी समाजी सोशल वर्कर शफीक एंटी करप्शन साहब, हमने इनसे एक सवाल पूछा कि इस शहर में बार बार मेमोरेंडम देने के बाद भी सर्विस रोड नहीं बनता, क्या वजह है इसकी। मैं यहाँ से डायरेक्ट इनडायरेक्ट उन सियासी लीडरान से मतलब कहना चाहूँगा कि अपनी सियासत करने के लिए आप सड़कों पर आते हैं, इस शहर की आवाम के लिए सर्विस रोड बनाने के लिए आप कब अपना इतिहास बनाकर हाईवे पर जाएंगे और सर्विस रोड बनाएंगे। ये सवाल मेरा नहीं, पूरे शहर की जनता का है, और ये सवाल जनता के हम आप तक पहुँचा रहे हैं, और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जनता तक इसका जवाब आप किसी भी चैनल के जरिए उन तक उनका जवाब पहुँचा दीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारतीय मीडिया न्यूज़ में। मैं जाबिर शाह,